हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग सेजिटेरियस। अगर सन मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी सेजिटेरियस यानी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान ना देते, ध्यान किस पे, एनर्जीज पे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो हो सकता है एनर्जीज मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती हैं तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। इसमें हम चेक करेंगे कि 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2022 तक क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं सजिटेरियस। सो प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर सजिटेरियस धनु राशि फ्रॉम 1 सितंबर टू 10 सितंबर 2022। सो लेट्स सी धनु, टैरो आपके बारे में क्या कहता है। मुझे लगता है आप जो है डिप्रेशन काइंड ऑफ में, स्लीपलेस नाइट्स हैं एंड थिंग्स आर नॉट सर्विंग यू काइंड ऑफ। 5 of Cups, 6 of Pentacles, 10 Star हमारा चैलेंज है, 7 of Pentacles एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है 10th card। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस भी पार्टनर से आप जो है डील कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांगली मुझे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन लग रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है एंड ये रीडिंग जिससे भी मैच होने वाली है काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है उन लोगों के लिए, एज कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड आए हैं। ओके, प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर 6 of Pentacles, क्लैरिफाई मी 6 of Pentacles। मैं देख सकती हूँ पास में कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप बहुत ही परेशान, हताश एंड डिप्रेस्ड हैं मूड में, दैट थिंग्स आर नॉट सर्विंग यू। जिस तरीके से आप चीज़ों को करना चाहते थे या ले जाना चाहते थे, उस तरीके से कुछ हुआ नहीं जैसे आपने प्लान किया था। चीज़ें एज सच कुछ जो है मूव नहीं करी काइंड ऑफ। प्लीज़ गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर 6 of Pentacles, क्लैरिफाई मी 6 of Pentacles। नाइट ऑफ कप्स, गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई मी नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। मैं देख सकती हूँ आप इनर सोल आपकी काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, यू आर फीलिंग लॉस। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सेजिटेरियस, मैं नियर फ्यूचर में आपकी कोई विश फुलफिल होती हुई देख पा रही हूँ। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड अफर्म कर रहे हैं तो करते रहिए, आपकी मैनिफेस्टेशन नियर फ्यूचर रंग ला सकती है। कोई एक विश जो है आप जिसको बहुत ज़्यादा चाह रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैं नियर फ्यूचर में यस होते हुए देख पा रही हूँ। 6 नंबर मुझे आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। हो सकता है कि आपकी या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो 6, या आपकी एनिवर्सरी हो इफ़ यू आर मैरिड। 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू, अगर आप एक पार्टनरशिप के कंसर्न में देख रहे हैं। एंड आपका या उनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। एंड अब मेरे को इसमें लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी मिल रहे हैं। सो मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, यू आर इन डिप्रेसिव मोड, बट इन करंट आप चीज़ों को अपने लिए बेटर करना चाहते हैं। एंड जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसे छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर 7 of Pentacles, क्लैरिफाई मी 7 of Pentacles। या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसे आप मुझे पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हैं। एंड इसीलिए मुझे नियर फ्यूचर में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, बट आपका चैलेंज है 7 of Pentacles, किंग ऑफ पेंटिकल्स। या तो वही आपका चैलेंज है कि आपको जो विश फुलफिलमेंट की मैं बात कर रही हूँ उसके लिए, उसको ट्रू करने के लिए, उसको हैपन करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हैं आप सिट बैक होकर आराम से बैठे हुए हैं एंड चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, तो नो डू नो,
आपको एक्शन लेना पड़ेगा एंड आपको जो है अपनी स्टैग्नेंट सिचुएशन को जो है रनिंग पोजीशन में लेकर आना पड़ेगा एंड नेगेटिविटी रिलीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको हील होने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपका जो चैलेंज है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स वो आपकी विश फुलफिलमेंट होने में बाधा क्रिएट कर सकता है। प्लीज एंजल गाइड मी फॉर सजिटेरियस धनु राशि फ्रॉम 1st of September टू 10th of September 2022। अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करिए, वर्क थ्रू योर फियर्स एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है आप फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। मैं बोल रही हूँ ना कुछ नियर फ्यूचर में विश फुलफिलमेंट देख रही हूँ एंड करंट में यू आर टोटली हर्ट इन पेन एंड जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं यू आर लिविंग इट बिहाइंड बट योर इनर सोल इज स्टिल लॉस्ट। इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने डर पे काम कीजिए। किस चीज़ का डर है आपको सजिटेरियस, किस चीज़ का डर है? अपने डर पर काम करो एंड अगर आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे तो एक फायरी क्लाइमैक्स जो आप चाह रहे हो उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ मेजर होता हुआ अपनी लाइफ में देख सकते हो। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर सजिटेरियस धनु राशि फ्रॉम 1st of September टू 10th of September 2022। नो नीड टू वरी, आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने डर को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो एंड आप जो कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, उस पर आगे बढ़ते जाओ, अपने पाथ पे आगे चलते जाओ। इसी तरीके से आप अपना चैलेंज भी जीत पाओगे एंड अपनी विश भी फुलफिल कर पाओगे एंड इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। हमारा बॉटम ऑफ द डेक है इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू सजिटेरियस कि आप क्या चाहते हो। आप जो है अपनी मैनिफेस्टेशन आपके जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं उन्हें फुलफिल करना चाहते हो या आप जो है पास्ट में नेगेटिविटी और इन सब में घिरे रहना चाहते हो। प्लीज़ एंजल्स गिव मी सम लव मैसेजेस फॉर सजिटेरियस धनु राशि फ्रॉम 1st of September टू 10th of September 2022। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है कि आप जो है किसी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड कर रहे हो या कोई आप पर डिपेंड कर रहा हो एंड उसी चीज़ का आपको डर हो है कि अगर मैं पीछे हट गया या मैंने इसे छोड़ दिया या मेरी चीज़ें इसके साथ वर्कआउट नहीं हो पाई तो मैं कैसे करूँगा। मीन सम हाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन और समवन इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, इस वजह से आप थोड़ा डर रहे हो एंड इस सारी नेगेटिविटी में घिरे हुए हो। आपका बॉटम ऑफ द डेक है पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। अपनी लाइफ में थोड़ा फन लेकर आओ, थोड़ी क्रिएटिविटी लेकर आओ, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो ताकि आप हील हो सको। थोड़ी खुश रहने की कोशिश करो, अपनी लाइफ को जीने का एक मकसद दो जिससे ना आप खुश होगे तो आप पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करोगे एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा इसी तरीके से वर्क करता है सजिटेरियस। So that's all I have for you. Hope this reading helps. All the very best and thank you so much.